डिफरेंसेस वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, एक तो हम उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज जो कि एक दो दिन में वर्क कर जाएगी, कल से या परसों से फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे अच्छे सवाल जो मुझे लगता है कि मैं बनाऊंगा, भले आपको सॉल्यूशन की जरूरत ना हो, एक तो फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मेंस वाले बच्चों के लिए, बेस्ट 30 टेस्ट जो कि काफ़ी हैं अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो। ये सिर्फ मेंस के सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे हम आपको टेस्ट सीरीज पूरी देने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर और ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज देना चाहेगा तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी परसों से हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, और ये फ्री है सब बच्चों के लिए, कंप्लीट भी है और मैथ्स की सेक्शनल भी है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक मॉक बल्कि मैं तो कहूंगा दो मॉक पर वीक देने पड़ेंगे, और अगर आपका सिलेबस भी पूरा है, आपकी प्रैक्टिस भी पूरी है, तो आप डेली पेपर दीजिए डेली, और संडे रेस्ट करिए, संडे आप सीरीज वगैरह देख लीजिए नेटफ्लिक्स पे और टेलीग्राम पे या किसी पे, ये कर सकते हैं। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कल शाम से परसों सुबह से मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं है कि अभी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, बनी है नहीं बनी है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, मैथ्स की बात आ गई कि मैथ्स में मैं आपको इतने वीडियो दे दूंगा, अब आप सोचेंगे कि मैं किसी और टीचर का कोर्स लेने की सोच रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे आप लेना चाहें तो ले लें, बाकी किसी का ना लें, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो हमारा भी ना लें, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि पूरी गणित रिवाइज करनी है तभी लें, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाकी के टीचर्स के कोर्सेज भी देख के, जितने भी अच्छे टीचर्स सब हमारे पढ़ा रहे हैं, अच्छे हैं, कोई सवाल हो सकता है कि मुझसे छूट जाए और उन्होंने पकड़ लिया, मैं नहीं देख पाया कोई पेपर में, तो मैं वो सब कुछ निकाल के आपको 60 वीडियोज में कंप्लीट करके दे दूंगा, जो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगी, आप देखने में भी बोर नहीं होंगे, अलग अलग तरीके का रूप धारण करके मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, 60 वीडियो आपको मैथ्स की मिल जाएंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बनी रखी है, मैं कोई पुरानी वीडियो डलवा रहा हूँ, नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मेंस बैच की रिकॉर्डिंग आपको दे दें यूट्यूब पे फ्री सब बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी कोर्स नहीं लेना चाहते, सिर्फ मेंस बैच की रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहते हैं, और ये वीडियो तो रहेंगी छोटी छोटी, तो हमने जो मेंस बैच पढ़ा रखा है हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे फ्री दे देंगे, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी हम आपको दे देंगे, आप कहेंगे मैथ्स की, आप कहेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स की, सब कुछ दे देंगे, जैसे आप बोलेंगे कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, बट इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने कहा कि 60 वीडियो 10 से 15 मिनट की काफी है। ये मैं मेंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैंने फिर एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे कि मेंस में मैथ्स प्राइमरी नहीं है, अगर आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेंगे, अगर आप सिर्फ मैथ्स को माई बाप मान लेंगे तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से दूर हैं, आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, उतना फोकस मैथ्स पे नहीं करना है, आपका सिलेबस पूरा है, आप केवल टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आप ये 60 वीडियो देख लीजिए 10 से 15 मिनट के, तो जो मुश्किल सवाल आने के चांसेस हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सेम चीज मैं रीजनिंग में भी करने वाला हूँ, रीजनिंग में भी करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि ये रीजनिंग का वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चा लगातार गलती कर रहा है, तो रीजनिंग के भी हम आपको वीडियो देंगे, रीजनिंग के भी ये वीडियो, और रीजनिंग मैं खुद बना के दूंगा, रीजनिंग मेरे लिए बच्चों जैसी चीज है, आंख बंद करके रीजनिंग पलक झपक के सवाल का उत्तर आ जाता है। अच्छा, मैं इसके अलावा और क्या क्या चीजें ऐसी देने वाला हूँ, तो ऐसे में जीएस में आपको कोशिश करूंगा कि जीएस में भी मैं ऐसे 60 वीडियोज आपको दे पाऊं जो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सवाल आना ही आना है। आज हम कितने सारे लोग जीएस की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, पिछली बार भी नहीं हो पाए और इस बार भी डिलेमा में है कि होगा या नहीं होगा। जीएस पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, इतना फोकस करना पड़ेगा कि हमें रोज के 4 से 4.5 घंटे देने पड़ेंगे। कंप्यूटर के लिए मैंने क्या सोचा है कि कंप्यूटर के लिए हम आपको बेस्ट पीडीएफ दे दें, अगर आप क्लासेस नहीं देखना चाहते तो बेस्ट पीडीएफ जिसके अंदर थ्योरी हो प्लस क्वेश्चंस हो, और वो इतना हो कि उससे बाहर कुछ आए ना, अगर एक बच्चा इसमें 5 दिन भी लग के तैयारी कर लेता है, 5 से 6 दिन भी, तो उसका कंप्यूटर पूरा हो जाए। मेरा फोकस पूरा रहेगा कि मैं मेंस में बच्चों को कितनी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आप ये मान लो कि मेंस में बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं है, उसके हल्के सपोर्ट की जरूरत है बस, ऐसा नहीं है कि उसको पूरा गणित पढ़ना है। अगर उसको पूरा गणित पढ़ना होता, उसको एलजेब्रा पढ़ना होता पूरा, तो आपको नहीं लगता कि वो प्री कैसे क्वालिफाई कर पाता, सब कुछ सिलेबस तो सेम ही है।